नमो नमः। नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरौणी दरभंगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अंगीभूत इकाई सहचार्य अहम वीर सनातन पूर्णेन्दुराय दिनांक 16/1/2022 कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड पाठ्य शीर्षक अस्ति साहित्य दर्पण से सप्तम परिच्छेद छेदः काव्य दोष सामान्य लक्षणम् विषय साहित्यम् वाक्यम् रसात्मकम् काव्यम् इति काव्य लक्षणे प्रवोचदाचार्यो विश्वनाथः तस्यापकर्षो येन धर्मेण भवति सो अयम् धर्मः दोषः इत्यभिधीयते। इदम् हि दोष लक्षणम् सर्वेषु दोषेषु समान रूपेणान्वितं भवति रस्यत आस्वाद्यत इति ही रस शब्दस्य व्युत्पत्ति। अतएव रस शब्देन रसाभास भाव भावाभास भाव प्रशम भाव प्रशांति प्रभृति नामपि ग्रहणं भवति तेषामत्यास्वाद्यत्वात् अस्य वाक्यस्यार्थः प्रागेव प्रथम परिच्छेद एव स्फटीकृतः अस्फुटीकृतः यानी अस्पष्टीकृतः इत्यर्थः। तद्विशेषान्नः तेषां दोषानां ये विशेषाः भेदाः तान् आह विभिनक्तित्यर्थः। ते पूर्वोदिष्टाः दोषाः पञ्चधाः पञ्चप्रकारकाः भवन्ति। ते पूर्वोदिष्टाः दोषाः पञ्चधा भवन्ति। पदे सुप्तिगन्तं लक्षणे पदांशे पदावयवे वाक्ये वाक्यं स्याद् योग्यता कांक्षा शक्ति युक्त पदयोच्चयः इति लक्षणेन द्वारा लक्षिते योग्यता कांक्षा शक्ति समन्विते पदानाम् उत्कृष्ट समूहे रसे विभावेनानुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा रसता नेति रत्यादिः स्थायी भावा सचेत सामिति लक्षणेन लक्षिते रसे यत यस्मात् कारणात् संभवन्ति जायन्ते तस्मादेव कारणात् ते पञ्चधा पंच प्रकारका भवन्ति। प्रथमं पददोषाः द्वितीये पदांश दोषाः तृतीये वाक्य दोषाः अर्थ दोषाः चतुर्थं पंचमं रस दोषाः। दोषाणां पदगत्वादिकं संख्यया निर्दशति द्वन्द्वादशो द्वन्द्वान्ते श्रयमाणं पदं प्रत्येकेनाभिसम्बध्यते इति न्यायेन द्वन्द्वान्ते श्रयमाणो भाव प्रत्ययः प्रत्येकेन साकं सम्बध्यते इत्थम्। प्रथममस्ति दुःखश्रवता तृतीयं त्रिविधाश्लीलता अनुचितार्था अप्रयुक्तता ग्राम्यता अप्रतीतता संदिग्धता नेयार्थता निहितार्थता अवाचकत्वं क्लिष्टत्वं विरुद्धमतिकारिता तेरवा अविमृष्ट विधेयांशत्वं। एते पुत्रयोदश संख्यकेषु केचन दोषाः पदे भवन्ति केचन वाक्ये भवन्ति। एतेभ्यो भिन्नाः स्त्रीसंख्यकाः दोषाः पदांश एव भवन्ति ते च सन्ति निरर्थकत्वं असमर्थत्वं अच्युतसंस्कारता च। इमे सर्वे दोषाः मिलित्वा षोडश संख्यकाः भवन्ति। एतेषु दुःश्रवत्वं त्रिविधा सलीलत्वं निहितार्थत्वं अवाचकत्वं नेयार्थत्वं चेमे दोषाः पदांशे अपि भवन्ति। एवमेव निरर्थकता असमर्थता चित्तसंस्कारता च केवलं पदे एव भवन्ति वाक्ये नहि। पदगत दुःश्रवत्वनिरूपणं परुषवर्णता श्रुति दुःखावहत्वं दुःश्रवत्वं यथा
कर्तार्थ्यं ज्ञातोत्तमन्वङ्गी कदा अनंगवशं वदा। परुषाणां कर्कशाणां वर्णाणां युक्तत्वात् श्रुति दुःखवहत्वं श्रुतयोः दुःखावहत्वं कष्टोत्पादकत्वमेव दुःश्रुवत्वमित्यभिधीयते। अस्यैव दोषस्यापरं नाम कष्टत्वमपि वर्तते। अनेन दोषेन युक्ते सति काव्ये श्रवणयोः कष्टप्रदानं प्रदानां श्रवणेन हेतुना सामाजिकानां चित्तमुद्विग्नं भवति। अस्य पदस्योदाहरणम् अस्ति कार्तार्थ्यं यातु तवङ्गि कदानङ्गवशं वदा इति। अयमर्थः आनङ्गवशं वदा कामावेशसम्पन्ना तवङ्गि कृश गात्रवती सुन्दरी कदा प्रियसमागमेन कार्तार्थ्यं कृतार्थतां यातु प्रापणोतु। अत्र रकार तकार रकार थकाराणां संयोगयुक्तत्वात् कार्तार्थ्यं पदे दुःखश्रवत् नामको दोषः। काव्य दोष जो है 16 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोगों ने जाना छात्रों। पहला हो गया पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इसमें जो है कहते हैं कि 13 जो प्रकार है वो तीनों में आता है। पहला हो गया दुःश्रवता, त्रिविध श्लीलता, अनुचितार्थता, अप्रयुक्तता, ग्राम्यता, अप्रतीतता, संदिग्धता, नेयार्थता, निहितार्थता, निहितार्थता, अवाचकत्वम, क्लिष्टत्वम, वृद्धमतिकारिता और अविमृष्ट विधेयांशत्वम। और जो तीन दोष होते हैं जो पदांशे भवन्ति पद के अंश में ही होता है वो है निरर्थकत्वम, असमर्थत्वम, अच्युत संस्कारता च। ये 13-16 प्रकार के दोष हो गए। आगे फिर इसका हम निरूपण करेंगे। नमो नमः। आप लोग कोरोना से बचें, इसका प्रसार जो है तीसरी लहर बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है और इसका आप लोग लाभ उठाएं। और जो भी PDF और जो भी वीडियो भेजा जा रहा है ध्यान से देखें, और अगर उसमें समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें फ़ोन करके भी समझ सकते हैं। मेरा नंबर है 75-25-85-78-80। जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम। कोरोना हारेगा और हम लोग जीतेंगे।